हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल में स्वागत है। और आज का टॉपिक है अनुपात और सनुपात। पता है अनुपात और सनुपात, पिछला टॉपिक घात घातांक पढ़ा दिए हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट निकल गया है। उसका एग्ज़ाम थोड़ा उसको डिटेल में बता देते हैं, एग्ज़ाम कब से है। तेईस फरवरी कब से ग्रुप डी का एग्ज़ाम 23 फरवरी से नोटिस आ गया है। और उसका कुछ सिलेबस बताते हैं, कितना से कौन क्वेश्चन आने वाला है। और इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैथ। मैथ से कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन। और रीजनिंग, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। और साइंस से 25 क्वेश्चन। और जीके प्लस करंट से कितना जाएगा, 20 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन। कितना, 100 क्वेश्चन। यही मैथ से 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और साइंस से 25 क्वेश्चन और जीके प्लस करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। 25, 50, 30, 80, 20, 100। 100 क्वेश्चन। और आइए अब देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन अनुपात और सनुपात का बेसिक चीज पढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात, अनुपात मतलब क्या था, दो बिंदु, ठीक। सनुपात मतलब चार होता है, चार उपाय। ये अनुपात का साइन हो, ये सनुपात का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि एल अनुपात कितना दिया है, एम बराबर कितना दिया है, 2:5 दिया है, कितना। और एम अनुपात कितना दिया है, एन दिया। एम अनुपात एन बराबर 2:3 दिया, कितना दिया, 3 दिया। तो एल एन टू एल बराबर 1, इसका वैल्यू निकालना, कितना वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। एल एम एन बराबर 2:5 और एम एन बराबर 2:3 दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। इसको सोल्व करते हैं, 2:5 ले लेंगे इसका और 2:3 इसका ले लेंगे, यहाँ से लेंगे 2:3 आ जाएंगे। और इसके से मल्टीपल यहाँ करेंगे और इसके 3×5=15 हो जाएगा और 2×5=10 अनुपात और 2×2=4 हो जाएगा। तो कह रहा कि एल एम कितना हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। एल एन हमको लेना है, एन अब एल, तो एन का वैल्यू ये हो गया और एल का वैल्यू ये हो गया। तो पहले एन लेना है, तो कितना हो जाएगा, एन 15:4, ये हमारा वैल्यू होगी 2.5। इसको मल्टीप्लाई 3×5 और 2×5=10 हो गया, 2×2=4 हो गया। ये एल एम एन हो गया, एल एन एल वैल्यू निकालना है, तो एन अवेल हो गया, तो 15:4 हो गया। आइए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर ए बी बराबर, ए बी अनुपात 2:5 दिया, ठीक है, और कितना
और बी सी अनुपात कितना दिया, 3:4 दिया है। तो अनुपात सी बराबर वाट, ए बी बराबर 2:5 दिया और बी सी बराबर 3:4 दिया, तो ए सी का वैल्यू करना होगा, ए अनुपात सी बराबर, इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह ए बी बराबर 2:5 और बी सी बराबर 3:4 दिया, इसको वैल्यू कितना निकालेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे इसे और इसको इसे यहाँ करना, पंचों का 20:5, इसमें दोनों से करना, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, कितना हो गया, तो क्या निकाल, ए और सी, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी, तो ए और सी का निकाला, ए और सी, तो ए का वैल्यू हो गया और सी का वैल्यू ए हो गया, तो ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, ए वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया और सी का वैल्यू 20 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, पंचों का 20, अब 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, ठीक है, ए बी सी हो गया, तो ए सी निकालना, तो ए का वैल्यू 6 और बी सी का वैल्यू 20 हो गया, 6:20। आइए क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी का अनुपात निकालना है, कहता है ए बराबर 1/2 × BC और बी बराबर 1/2 C, तो ए अनुपात बी अनुपात अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, इसको बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी का अनुपात निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, ठीक है, पहले इसको लिखते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, ए अनुपात बी, इधर गुणा दी जाएगा तो क्या हाँ भागम हो जाएगा, ए बी होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और बी और सी है तो बी सी है तो इधर आ जाएगा, सी अनुपात कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए बी सी का वैल्यू निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या करेंगे, ए है ए कितना दिया, ए 1 दिया और बी कितना दिया है 3 दिया है, और फिर बी कितना दिया है 1 दिया है और सी कितना दिया है 2 दिया है, इसको निकालते हैं, इसे बी कितना दिया 1 और सी कितना दिया है 2, इसको तिरछा मल्टीपल कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3 हो जाएगा अनुपात, और 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 × 2 होगी 1 × 3 हो गया, ए का वैल्यू 1 और बी का सी हो गया 3 हो गया, अब बी का वैल्यू 1 और 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 और 1 × 1 गुना करेंगे 1 से क्या होगा 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी का वैल्यू हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, ए बटा 4 बराबर बी बराबर 5/2 और सी बाय 6 हो गया, ए बाय 4 और बी बाय 5 और सी बाय 6 हो गया, तो इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा, अच्छा बटा में रह गया 1/4 तो 1/2 1/6 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एक ही हो जाएगा, 4:5 × 5:6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 4, 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2x बराबर कितना हो जाएगा 5y मतलब 4z, तो x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू बराबर क्या होगा, वाट होगा, क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है, यदि बराबर दिए 2x + 5y + 4z क्या होगा,
2x प्लस 5 वाई फोर जेड अगर बराबर में तीनों, तो अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछे या ए बी सी का वैल्यू पूछे तो कैसे निकालेंगे, ये करेंगे ये दोनों क्या करेंगे गुना कर देंगे, ये दोनों क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो एक पंचौका का होगा, पंचौका 20 हो जाएगा, कितना हो गया 20 है एक्स यहाँ वाई का अनुपात यहाँ जेड का निकल जाएगा, ठीक है जेड का निकल जाएगा। अब वाई को बंद करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, चार दून कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अनुपात यहाँ रहेगा, ठीक है। और फिर एक बार जेड को बंद करेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या होगा 10 हो जाएगा। और इसमें क्या था कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन कर देंगे, तो इसको काटते हैं 2 कॉमन कॉमन कर देंगे क्या बचेगा 2 दहाके 20 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो गया, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। इसमें क्या किए 2 सब में कॉमन था, 2 इसमें भी इसमें, इसमें तीनों में कॉमन था, 2 को कॉमन कर दिए, 2 दहाके 2 चौका 2 पच्चे 10, तो कितना होगा वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया, ये हमारा कहते हैं आंसर है, यही एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। एक बार इसको बंद करिए दोनों गुना करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये दोनों गुना करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये दोनों का गुना करके एक्स वाई जेड का वैल्यू या ए बी सी दे लगा तो ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा।